अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट अरेबिक, लेसन नंबर 3, पार्ट 2। स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर आज हम मीनिंग्स वगैरह देखेंगे। पार्ट 1 में हमने रीडिंग किया था, पार्ट 2 में हम वर्ड के मीनिंग देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फर्स्ट वन, अद्दर्सु सालिस, अत्तासिउन बेटा थर्ड लेसन हमारी बुक में है। अद्दर्सु सालिस, थर्ड लेसन, नाम क्या है चैप्टर का? अल बैतू, द होम। ओके, द होम। अल बैतू का मीनिंग क्या होता है? द होम। चले मेरे साथ, देखो मैं आपको एक बार रीड करके बताती हूँ। अल बैतू, अलिफ लाम जबर अल, बाया जबर बई, अल बई तापेश तू, अल बैतू। पढ़ो मेरे साथ, अल बैतू। अल बैतू का मीनिंग क्या होता है? द होम, द हाउस। ओके, नेक्स्ट है उसरतु, हमारे चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर के अंदर अल बैतू ने हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी फैमिली है, उस फैमिली को अरबी में क्या कहते हैं? उसरतुन। उसरतुन का मतलब क्या होता है? और फैमिली। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसरतुन का मीनिंग क्या होता है? फैमिली। देखो, हमजा सीन पेश उन, हमजा सीन पेश उन, उस रबर उसर तादो पेश तुन, उसरतुन। ओके, उसरतुन। उसरतुन का मीनिंग क्या होता है? फैमिली। ओके बेटा, गोटी, उसरतुन मतलब क्या होता है? फैमिली। चलिए नेक्स्ट है फादर, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखो फर्स्ट वन हम पहले अरबी पढ़ेंगे। जद्दुन, क्या लिखा है? जद्दुन, जीम दाल जबर, जद दाल दो पेश दुन, जद्दुन। जद्दुन का मीनिंग क्या होता है? ग्रैंड फादर। ओके, जद्दुन का मीनिंग ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब दादा। दादा को अरबी में क्या कहते हैं? जद्दुन। ग्रैंड फादर को अरबी में क्या कहते हैं? जद्दुन। ओके बेटा, आपके घर में तो होंगे कोई ना कोई दादा तो होंगे, तो दादा को क्या बोलेंगे? जद्दुन। और दादी को क्या बोलेंगे? जद्दतुन। दादी को क्या बोलेंगे? जद्दतुन। जीम दाल जबर, जद दाल जबर, द जद, तादो पेशतुन, जद्दतुन। जद्दतुन का मीनिंग क्या होता है? ग्रैंड मदर। ओके, दादी, ग्रैंड मदर, जद्दतुन ग्रैंड मदर, जद्दुन ग्रैंड फादर। दादी में सिर्फ ता लग गया बेटा, बाकी तो दोनों सेम है। ओके, जद्दुन मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, और जद्दतुन मतलब के ग्रैंड मदर। चलो, फैमिली में हमारे और कौन कौन होते हैं? अब्बू होते हैं, तो अब्बू को अरबी में क्या कहते हैं? अबुन। क्या बोलते बेटा? अबुन। हमजा बाद, हमजा जबर अ, बादो पेश बुन, अबुन या फिर अब। ओके, फादर, फादर को अरबी में क्या कहते हैं? अबुन। देखो, इंग्लिश वर्ड भी लिख कर मैंने आपको भेजा है, इंग्लिश वर्ड भी ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अबुन यानी के फादर। नेक्स्ट है अम्मी, उसके बाद कौन है? अब्बू। अब्बू के बाद कौन है? अम्मी। चलो, अम्मी को क्या बोलेंगे? उम्मुन। अम्मी को क्या बोलेंगे? उम्मुन। उम्मुन का मीनिंग क्या होता है? मदर। क्या होता है बेटा? मदर। हमजा पेश उ, मीम दो पेश मुन, उम्मुन। या हमजा मीम पेश उम, मीम दो पेश मुन, उम्मुन। क्या बोलेंगे बेटा? उम्मुन। उम्मुन का मीनिंग क्या होता है? मदर। मदर को अरबी में क्या कहते हैं? उम्मुन। ओके, उसके बाद है सन, यानी कि आप इस लड़के को देख रहे हैं, सन मतलब होता है बेटा। बेटे को अरबी में कहते हैं इब्नुन। क्या बोलते हैं बेटा? इब्नुन। हमजा बाजेर, इब्नुन दो पेश नुन, इब्नुन। क्या पढ़ोगे आप इसे? इब्नुन। ओके, सन, इब्नुन। नेक्स्ट है डॉटर, यानी कि बेटी। बेटी को अरबी में क्या बोलेंगे? इब्नतुन। क्या बोलेंगे बेटा? इब्नतुन। हमजा बाजेर, इब नून जबर न, इब्न तादो पेशतुन, इब्नतुन। क्या पढ़ोगे बेटा? इब्नतुन, डॉटर। सन इब्नुन, डॉटर इब्नतुन। देखो, मैं आपको वापस एक बार रीडिंग करवा देती हूँ। चलो, आप रीड करो मेरे साथ। ये क्या पढ़ेंगे बेटा? पढ़िए मेरे साथ, जद्दुन। वेरी गुड, जद्दुन मतलब होता है ग्रैंड फादर। उसके बाद क्या है ये? क्या लिखा बेटा? जद्दतुन। क्या लिखा है? जद्दतुन, ग्रैंड मदर। चलो नेक्स्ट, ये क्या लिखा बेटा? अबुन। यस, अबुन फादर। वेरी गुड। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? उम्मुन। क्या लिखा है बेटा? उम्मुन, मदर। चलो नेक्स्ट, ये क्या लिखा है बेटा? सन।
इब्नुन, ओके सन इब्नुन। चलो डॉटर, ये क्या है इब्नतुन, क्या पढ़ोगे इसे आप इब्नतुन, इब्नतुन डॉटर, ओके बेटा। चलिए ये हमारा वीडियो का एक्सप्लेनेशन का पार्ट वन पार्ट टू था, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट थ्री के अंदर दूसरे पेज को कवर करेंगे। ओके चलिए, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।